हमारे साथ आरजेडी सांसद मनोज झा मौजूद हैं। सर, दो तीन बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना है, इसमें एसपीजी सुरक्षा को लेके है और जेएनयू जो कि लगता है कि पर भी उठेगा। क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजनीति से प्रेरित है निर्णय? देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहूँगा जो लगातार मैं मीडिया के साथियों से कह रहा हूँ, थ्रेट परसेप्शन और सिक्योरिटी कंसर्न्स में कभी भी राजनीतिक मतभेद आना नहीं चाहिए। हम में से कोई इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि दो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इसी परिवार से बहुत ब्रूटली उनकी हत्या हुई। उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारे संसदीय लोकतंत्र के बारे में, सार्वजनिक जीवन के बारे में संदेश अच्छा नहीं जाता। मैं आग्रह करूँगा कि सरकार एक बार पुनर्विचार करे। जेएनयू के मामले में आज हायर एजुकेशन सेक्रेटरी उनके स्टूडेंट्स यूनियन से मिलने जा रहे हैं, इसको लेके क्या आपका? देखिए, मैं चाहूँगा कि इसको रिजॉल्व किया जाए। जेएनयू को बीते कई वर्षों से डिमोनाइज किया जा रहा है, एक दानवीकरण किया गया है, और ये अटैक जेएनयू पे नहीं है, ये अटैक पब्लिक फंडेड एजुकेशन का जो पूरा आइडिया है। अगर आज पब्लिक फंडेड एजुकेशन नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इस देश की एक बड़ी आबादी जो कम फीस पे करके पढ़ के आई है ना, क्योंकि ये फ़र्क करना होगा ना कि जेएनयू, डीयू और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जीओ में फ़र्क है, और वो फ़र्क ही हमें अब तक यहाँ लेके आया है, और उसको जो लोग डेमोनाइज कर रहे हैं वो उचित नहीं कर रहे। कई लोग कह रहे हैं संवाद नहीं हो पा रहा स्टूडेंट्स यूनियन के, स्टूडेंट्स के बीच में, वीसी के बीच में, प्रॉक्टर के बीच में, और संवाद हो रहा है तो दोनों पक्षों के तरफ से। संवादहीनता तो इस वाइस चांसलर साहब ने संवाद की पूरी परिपाटी को उन्होंने लील लिया है। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा, आपके पास बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं, फौरी तौर पर इन वाइस चांसलर साहब को कहिए आप वापस जाएं। बिल्कुल, मनोज झा जो कि आरजेडी सांसद है, खुद प्रोफेसर हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, उनका कहना है कि जिस तरीके से संवादहीनता बढ़ी है उसमें इसको पूरा करना चाहिए, और इनकी मांग है कि वीसी को हटाना चाहिए। अपने कैमरा से जहांगीर के साथ कुंदन सिंह, News24 दिल्ली।